but I have brought up in Chennai. So I have done one movie in Tamil. So yeah, I'm so excited. This is my Hindi as a first movie. Hai. So I'm really excited. Looking forward towards it. किरदार थीम जो था बहुत ही नॉर्मल रखा गया था और जो इसका बारे में जो स्क्रिप्ट है लाइक इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपरिजित तो वहाँ पे जैसा किरदार था जो थ्रिल था तो आप सेम चीज़ आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगा सो यार तैयारी तो किया है तो लेट्स सी हार्ड वर्क तो जारी है सर आप क्या कहना चाहिए आज फोटो शूट हो रहा है पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए जी मेरा नाम देव तिवारी है और यूपी से हूँ मैं फिल्म का नाम है रेन तो क्या किरदार है आप इस फिल्म का कुछ इसके बारे में बताइए अपरिचित आपने देखा होगा तो अपरिचित में कैसे ये इस तरह का एक एक्टर नायक है जो भ्रष्टाचार से और जितनी बेईमानी है सबसे फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है वो पहले वैसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि मैं मिटा नहीं पाऊँगा इसको अकेले क्योंकि लोग हर जगह भ्रष्टाचार हैं जैसा तो फिर वो अपने जैसे अपरिचित में कैरेक्टर को चेंज करता है वो अपने इसी तरह इसमें भी कैरेक्टर को चेंज करता है जैसे कि बहुत अच्छे डायरेक्टर उनकी तो और एक इनके साथ फिल्म कर रहा हूँ मैं डेविल रिटर्न और ये फाइट मास्टर हैं जावेद शेख और अमित राय इसके प्रोड्यूसर हैं दिलीप मिस्त्री इसके डांस डायरेक्टर हैं तो ये फिल्म कब तक शुरू हो जाएगी शूट कुछ बताना चाहिए हमारे इधर शुरू जी अप्रैल से स्टार्ट होगा अप्रैल से हाँ जी तो मैंने इससे पहले तमिल में साउथ मूवी में काम किया है आई हैव डन टू मूवीज देयर तो ये मेरा हिंदी में पहला मूवी है तो आई एम सीरियसली लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट ऑब्वियसली मौका मिलेगा तो क्यों नहीं ऑब्वियसली इंस्पायर्ड हूँ इंस्पायर्ड तो प्रियंका चोपड़ा लाइक शी इज़ अ वेरी वर्सटाइल एक्ट्रेस तो आई रियली एडमायर हर थैंक यू कलाकार को हीरो बना दिया उभरती कलाकार को हीरोइन बना दिया ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली एक प्रोड्यूसर है मेरे अमित राय वो मेरे पास आए और मुझे बोला कि मुझे एक फिल्म बनानी है एक कहानी है एक सोचा है मैंने एक अपरिचित एक फिल्म उन्होंने देखी थी उनको बहुत प्रभावित है उस फिल्म से वो फिल्म बनानी है तो मैंने बोला बना देते हैं फिल्म तो इस किरदार के लिए एक बहुत अच्छा एक्टर है देव तिवारी ये ऑलरेडी मेरे साथ फिल्म कर रहा है एक्चुअली बहुत ही बढ़िया एक्टर है इट्स अ मैथड एक्टर ये मैथड एक्टर है एक्चुअली ये कमर्शियल एक्टर नहीं है एक्चुअली दिलीप कुमार मैथड एक्टर थे मार्लिन ब्रांडो मैथड एक्टर थे ये भी एक मैथड एक्टर है मैडम को कैसा लिया मैडम को मैंने ये अचानक ले लिया मैंने एक्चुअली ये मैं इनको जानता नहीं था एक्चुअली अमित राय मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो इन्हें जानते हैं एक्चुअली उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया लड़की में बहुत कैलेबर है टैलेंट है खूबसूरत है और अच्छी अदाकारा भी है तो मुझे क्या चाहिए अच्छे आर्टिस्ट चाहिए फोटोशूट में आप बहुत गाइड कर रहे थे मैं डायरेक्टर हूँ तो गाइड करूँगा ना यार तो बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे थे अच्छे से गाइड नहीं करूँगा तो फिल्म कैसे बनाऊँगा फोटोशूट के लिए मतलब कितनी तैयारी किया फोटोशूट का कोई थीम नहीं है एक्चुअली फिल्म का जो पोस्टर डिज़ाइन जो बनने वाला है एक्चुअली उसके लिए हम लोग ये फोटोशूट कर रहे हैं फिल्म शुरू हो जाएगी अप्रैल से इस फिल्म का टाइटल हम लोगों ने रखा है रेन टेंटिवली टाइटल है फिल्म का फिल्म में देव तिवारी लीड कर रहा है एक्चुअली और देवलीना जो है वो मेन लीड अदाकारा है एक्चुअली सपोर्टिंग में सब बहुत लोग हैं एक्चुअली मुकेश तिवारी हैं और शरद सक्सेना है ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं एक्चुअली ये जावेद शेख जो है मेरे फाइट मास्टर हैं मेरे दोस्त हैं मेरे भाई हैं कहानी एक आम इंसान की है एक्चुअली ये आम इंसान एक नॉर्मल इंसान है एक्चुअली बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है तो समाज में बहुत भ्रष्टाचार है एक्चुअली बहुत सारे जुल्म इस किरदार पे भी होते हैं ये इतना कैपेबल नहीं है कि उन सारी चीज़ों को सुधार सके एक्चुअली तो फिल्म में एक ऐसा ट्विस्ट आता है फिल्म में कि इसको एक गैबी ताकत मिल जाती है इसको अचानक एक पावर मिल जाता है तो उस पावर के ज़रिए ये जितने भ्रष्ट लोग हैं जैसे भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर है भ्रष्ट अपना ये आपका सरकारी ऑफिसर है इस तरह के कोई नेता है जितने उन सबको पनिशमेंट देता है ये एक्चुअली इस तरह का ये सिनेमा बनेगा एक्चुअली एक्शन सिनेमा है जावेद जी आप जाना चाहेंगे जिस तरह से फिल्म का टाइटल